तो भाई मैं ना अभी तुम लोग को सीन बताता हूँ मेरे साथ जो हुआ है कल रात को। सो ओके गाइस, आज के वीडियो में ना मैंने मेरी बहुत सारी बातें शेयर की है आपसे, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा भाई ये वीडियो पक्का से आप एंड तक देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ अगर आपके कुछ ओपिनियन है इसके बारे में। तो ओके सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? होप करता हूँ सारे ठीक और मजे कर रहे हो। तो भाई मैं आपको मेरी कल की स्टोरी तो मैं बताता ही हूँ, बट फिलहाल मैं निकलता हूँ फटाफट। मेरे बाइक का भी एक पार्ट ज़रा निकल गया है, वो मुझे जाके फिट करवाना है, सब थोड़ा काम काज है, जाके देख लेता हूँ मैं फटक से। चलो गाइस, भाई बाइक का एक पार्ट भी निकल गया है, वो जाके देखते हैं। मैं गोप्रो लेके निकला नहीं है क्योंकि उस पर पूरा डेड है उसका बैटरी। मैं रात को इतना 2-3 बजे आया और भाई अभी उठा हूँ 11 बजे। चलो मैं आपको दिखाता हूँ बाइक का भी। भाई लोग ये देखो, ये निकल गया इसका बैटरी कवर। ये हालांकि थोड़ा लूज था बट इतना भी लूज़ नहीं था कि यार ये निकल ही जाए सीधा, पता नहीं कैसे हो गया। अरे बहुत कम लूज़ था, इतना लूज़ नहीं था। तो भाई चलो फटाफट जाके देखते हैं क्योंकि मुझको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे अच्छी नहीं लगती यार बाइक। भाई पार्ट लेने को आए, वो पार्ट ढूंढने को ही ज़माना लग रहा है भाई इधर पे। ये देखा तो देखो आपको कैसा क्या पार्ट है मेरा, पूरा प्रॉपर आपको समझेगा आप। ये देखो भाई, ये जो होता है ना बैटरी कवर, तो कैसे निकला, कब निकला, कुछ क्या हुआ, मतलब भाई लिटरली कुछ पता ही नहीं हम लोग को। मेरे साथ दोस्त भी था, उसको भी नहीं समझा कुछ, क्या पता क्या सीन है। और ऐसा भी नहीं कि वो पूरा लूज था और लटक रहा था, भाई अच्छा खासा फिट ही था, बट क्या पता क्या सीन हुआ, कैसे हो गया। अंकल ग्रे नदी आमा ग्रे नदी ग्रे कलर अंकल, अच्छा ये था। हाँ सिल्वर, मेरा बाइक सिल्वर ही है ना, ये क्या हेरा ना, मेरा बाइक सिल्वर ही तो है। बताओ बताओ कैसा है, मतलब एक बार दिखाओ ना कैसा है, तो आइडिया आएगा मेरे को अच्छा लगेगा कि नहीं। ग्रे नहीं आता है क्या? मेरा ग्रे ही था पहले, पर माल आएगा कलर, मतलब आपके पास नहीं हो माल? हमारे पास क्या है यार, कहाँ भी नहीं रहेगा। इस अंकल ग्रे अच्छा लगता था, ब्लैक सूट नहीं होगा। ये ब्लैक वाला मिल रहा है भाई, ब्लैक मेरे को लगता नहीं सूट होगा। सिल्वर पर अगर एकदम पूरा प्योर क्रोम रहेगा तो वो भी नहीं जाएगा। सिल्वर वाला आ गया भाई, सिल्वर दिखाओ। ओके क्रोम सिल्वर है पूरा। अंकल एक काम करता हूँ मैं, जरा देख लेता हूँ, अगर सेम टू सेम मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर वो सिल्वर वाला लेके जाएगा, ब्लैक तो नहीं चाहिए, देख के आता हूँ मैं। सो भाई मैंने अभी जाके देखा और 2-3 दुकानों में वो सेम पार्ट नहीं मिल रहा है, कलर में चेंजेस है, ब्लैक और सिल्वर ही है मोस्टली हर जगह पे। बट आई गेस ब्लैक मेरे साथ तो जाएगा नहीं, मतलब ये बाइक के साथ, क्योंकि ये देखो ये एटलीस्ट मेरा ये तो क्रोम सिल्वर है, जो ये है गार्ड वगैरह, लेग गार्ड वगैरह। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कि वो मैं सिल्वर वाला ही लगवा लूँ। चलो अब जाके देखते हैं, और थोड़ी दुकानें बची है, 1-2-3 रहेगी कुछ भी, 2-3 जाके देख लेते उधर पे भाई, मिल जाए तो नसीब और क्या। तो भाई अभी फाइनली एक दुकान पे आ गया हो भाई, अगर इधर पे पार्ट नहीं मिला तो एक ही जगह बचती है फिर मुलुंड में, वो सरदार जी। ये दो जगहों पे पार्ट नहीं मिला तो फिर भाई बहुत मुश्किल हो, कहीं से फिर ऑर्डर करके देखना पड़ेगा। देखते अभी यहाँ पर मिल जाए तो अच्छा है भाई। ये देखो भाई ग्रे पार्ट मिल गया अपने को फाइनली, जैसा चाहिए था वैसा। ये ग्रे पार्ट अभी मिलता नहीं है क्या, ज़्यादा कम लोग रखते, पुराना गाड़ी हो गया इसके लिए मॉडल, सीधा नया मॉडल ही आता है। मेरा 2013-14 का मॉडल है भाई, पुराना बुलेट ही मज़ा आता है, नया बहुत साइलेंट हो गया है। पार्ट लग गया भाई अपना फाइनली, अब अच्छी लग रही है गाड़ी थोड़ी। ये भाई समझा नहीं यार कल कैसे गिर गया। ये देखो भाई एकदम सेम कलर का मिल गया है, अच्छा लग रहा है, बाकी का ब्लैक वैक सब लगाने से अच्छा यही सही है। चलो भाई पार्ट वार्ट लगा था गाड़ी का, ऑल सेट अभी गाड़ी अपनी टकाटक, और एक पार्ट चाहिए पर उसके पास है नहीं, बट वो चल रहा है फिलहाल मेरा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है बदलने की, वो बोला चलाओ जब तक चल रहा है। भाई बहुत ढूंढने के बाद मिला पार्ट, अभी भाई चलो जाते घर पर, थोड़ा एडिटिंग वगैरह मैं ख़त्म करता हूँ फटाफट, लॉग भी अपलोड करना है और मैच भी देखते हैं आज भाई, एलिमिनेटर मैच है। ओके गाइस गुड इवनिंग भाई, भाई मैं दोपहर को जो घर आके फिर सोया हूँ, मेरा जो हेडेक हो रहा था ना भाई, मैंने गोली ली, गोली लेने के भी 2-3 घंटे बाद मेरा हेडेक बंद हुआ है। तो भाई मैं ना अभी तुम लोग को सीन बताता हूँ मेरे साथ जो हुआ है कल रात को। भाई सीन कैसा हुआ ना, हम लोग गए थे बैंड्रा, तो हम लोग दोनों ने हेलमेट पहने थे और दोनों हेलमेट मेरे ही लेके गए थे, तो मैंने जब मेरे फ्रेंड को घर छोड़ा उसने हेलमेट मेरे बाइक पे पीछे बांधा, ये मैंने खुद ने देखा और उसने भी ठीक से बांधा था, उसने हेलमेट बांधा। फिर भाई मैं निकला घर की तरफ आने के लिए, मैंने पूरा व्लॉग में भी दिखाया है।
भाई मैं जैसे ही घर के नीचे पहुंचा, मैंने देखा भाई पीछे कुछ है ही नहीं। और आपको याद हो तो भाई, याद नहीं है तो फिर पिछला वीडियो जाके देख लेना भाई। मैं यही सब ऐसी ही टाइप की बातें कर रहा था कि ऐसा भी होता है, आपको कुछ टाइम बाद आपको समझ आए कि हाँ भाई ये चीज़ तो है ही नहीं मेरे पास। आपको बाद में होश आता है कभी कभी, होश इन द सेंस आप बोलते ना पूरे अनकॉन्शियस नहीं होते, आप अपना काम करते रहते हो, बट कुछ चीज़ आप अचानक से भूल ही जाते हो। ये अब पूछना आपके पेरेंट्स वगैरह को, उन लोग को पता होगा भाई ये होता है, बहुत होता है, मुंबई जैसी जगहों पे भी होता ही है। तो भाई देखो, एक तो सबसे पहली बात, मैंने कल पूरा दिन आराम किया था तो मैं इतना भी थका नहीं था कि मेरे को कुछ समझे नहीं कि मेरे पीछे कोई हेलमेट रख रहा है तो गिर रहा है कि क्या, मेरे को पता ही ना चले। भाई भाई जो लोग बाइक चलाते हैं उनको पता है, हल्का सा कोई पीछे से टच भी करता है, कुछ भी होता है, आगे पीछे भी हल्का सा सीधा समझ जाता है भाई ड्राइवर को। दूसरी बात भाई, मैं कोई बहरा तो हूँ नहीं कि मेरे को हेलमेट गिरने का आवाज़ ना है। भाई वो हेलमेट है यार, कोई 10 का नोट नहीं है कि ऐसा गिरा तो आवाज़ ना है। हेलमेट अच्छा खासा हैवी था भाई, कोई नल्ला वाला हेलमेट नहीं था मेरा, सिर्फ हाफ साइज हेलमेट था बट अच्छे क्वालिटी का था। वो कैसे क्या हुआ मेरे को समझ ही नहीं रहा भाई सब तक, मतलब आवाज़ तो आना ही चाहिए था भाई, ना मुझे फील हुआ, ना मुझे पता चला, ना आवाज़ आया। और ऐसा भी नहीं कि मेरे को कोई ये, और हाँ किसी ने मेरे को बताया अभी नहीं, तो कोई ना कोई तो पता था जहाँ पे गिरता है। और भाई उसके बाद जाके मैंने सीधा फ्रेंड को कॉल किया मेरे, उसको पूछा ब्रो हेलमेट तूने रखा था क्या पक्का से, कि हो सकता है मैं कुछ भूल गया हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो फिर भाई उसने मेरे को बोला कि नहीं भाई हेलमेट वहीं पर है, तो देख एक बार ठीक से। मैंने वहीं पे टाई किया था और ऊपर अटकाया भी था अच्छे से, जो मेरा बैक रेस्ट है उसके बीच में उसने रखा भी था, जिससे कि वो वहाँ पे स्टिफ हो गया था पूरा, और नीचे से उसने वो लॉक भी किया था भाई। तो मेरा तो माथा फिर गया रात को, मैंने और मेरे दूसरे फ्रेंड ने जाके 2 से 3 बार पूरा रूट मेरा चेक किया भाई, कहीं कुछ नहीं। और कल हाँ मैं आपको, देखो आपने अभी देखा ही रहेगा, मैंने आज के वीडियो में मैं डाल ही दिया हूँ कि मेरे बाइक का पार्ट भी गिर गया भाई। भाई मतलब कल कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है भाई। तो चलिए भाई अभी जाते हैं घर पे रिटर्न। आज का दिन भाई काफ़ी लेजी सा रहा यार, मतलब वो जो हेडेक पता नहीं क्यों अचानक से इतना होने लग गया। तो और फिर भाई और फिर हेडेक हुआ तो मैं बस बैठा ही रहा। लाइफ में ना भाई बहुत कंफ्यूज चल रहा हूँ मैं, कुछ समझता नहीं है मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि भाई एक पेशेंस नाम की चीज़ मेरे में बहुत कम है। बट हाँ एक है जो मैं करता हूँ, वो मैं बहुत दिल से करता हूँ भाई फिर। और पेशेंस तो फ़िलहाल मेरे में अब आ चुके हैं भाई, बीच में मैंने डेढ़ साल मैंने जॉब भी किया भाई, नहीं तो लाइफ में मैंने कभी इतना जॉब नहीं किया है। हाँ वैकेशन वगैरह में मैं जाता था, जब मेरे को 10th के वैकेशन हो गए, 12th के वैकेशन हो गए, वैकेशन वगैरह में 10th में तो चलो क्या ही जॉब करेगा, पर मैं जाके सीखता था, ऐसे ही देखता रहता था। बट फिर 12th का वैकेशन आया, FY SY वगैरह सब हो गया, होते होते सब वैकेशन में भाई खुद का बिजनेस का भी थोड़ा एक्सपीरियंस लिया मैंने करके, जॉब भी किया मैंने, फिर जो थोड़े बहुत अधूरे काम थे वो भी पूरे किए। तो भाई अब नाउ इट्स हाई टाइम आई फील, अब मुझे कुछ ना कुछ एक परमानेंट चीज़ पकड़नी है लाइफ में। हाँ ये व्लॉगिंग वगैरह तो मैं चालू रखेगा, हाँ वीडियोस मेरे आते रहेंगे भाई, मेरे को थोड़ा थोड़ा करके रोस्ट वीडियोस पे भी ज़्यादा फोकस करना है भाई, क्योंकि वो रोस्ट वीडियोस वगैरह वो सब, क्योंकि रोस्ट वीडियोस बनाना ना मुझे पहले से ही ये सब करना था, बट वो टाइम पर मैंने कोशिश भी की थोड़ी, बट कहते ना मैं खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं था खुद ही देख के मेरे वीडियो, क्योंकि जब आप नए होते हो ना भाई ये बहुत बहुत है ना, आपको थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज ऐसे वो सब फील होता है, क्योंकि भाई आप जिसके भी वीडियोस देखते हो वो लोग भाई प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करते हैं, प्रॉपर वो लोग की टीम होती है, सब होता है बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, तो अपन सीधा उनसे कंपेयर करते हैं अपने को, जबकि वो गलत है भाई। अगर अपन लेवल 1 पे है तो अपने को अपने आप को लेवल 1 या इसे लेवल 10 वालों से कंपेयर करना है जो अपने इर्द गिर्द हो, अपन सीधा लेवल 20, 30, 50 पे जाने की बातें करेंगे और उन लोग से खुद को कंपेयर करेंगे तो बहुत इनसिक्योरिटी फील होने वाला है। ये चीज़ मुझे बहुत लेट समझी है,
बट समझिए अब धीरे धीरे करके मुझे फील हो रहा है कि चीज़ें ट्रैक पे आ रही है, तो अब करना है कुछ तो भाई। और हाँ भाई, जो लोग मेरे वीडियो समझो पूरे एंड तक नहीं देखते ना भाई, तो कभी कभी क्या ऐसा बहुत कुछ चीज़ें मिस भी हो जाती है आप लोगों से। हाँ, क्योंकि भाई देखो मैं ये डेली व्लॉग कर रहा हूँ, तो इसके अंदर कोई ऐसा स्क्रिप्ट वगैरह जैसा कुछ होता नहीं है, तो जैसे चीज़ें होती जाती है, जैसे बीतती जाती है, वैसे वैसे मैं बताते रहता हूँ आप लोगों को। तो आप देखा करो भाई एंड तक व्लॉग्स को, कुछ ना कुछ अच्छा मैसेज ही मिलेगा आपको, ये मेरी गारंटी है। मेरे मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में आपको अच्छे मैसेजेस ही मिलेंगे, या कुछ चीज़ें कुछ गलतियाँ जो मैं कर चुका हूँ वो कोई और ना करे, तो आप भी वो सब जान सकते हो। वैसे जो गलतियाँ मैंने की है वो आप लोग ना करो, यही है ना भाई, सब लोग एक दूसरे की गलतियों से सीखो, तभी तो आगे बढ़ेंगे भाई सब मिलके। चलो भाई अब पहुँच गए घर के, इधर चाहते घर। सो ओके गाइस, अब घर आ चुका हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।